अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हवर्ड को गेम से इनाम मिल जाता है। हवर्ड जॉन से मुकाबला करके वहीं सो जाता है। जॉन बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। उसके अलावा तुम मुझे कैसे ढूंढ लिया? हवर्ड मुस्कुराते हुए बोलता है, यह बहुत ही आसान था। अगर तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें फॉरेन कंट्री जाना होगा और इसके लिए तुम एयरपोर्ट तो जाओगे ही। जॉन बोलता है, हो गया तुम्हारा मजाक करना, अब जल्दी से पुलिस को बुलाओ और मुझे गिरफ्तार करवाओ। हवर्ड बोलता है, मैं तो फोन दे के आऊँ पुलिस को। जॉन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? फिर वो उसको कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। मेरे पास इतना समय कि मैं तुम्हें दफना के यहाँ से जा सकता हूँ। तुम सोच क्या रहे हो? हवर्ड बोलता है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो मुझे रात को ही मार सकते थे। मुझे बताओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जॉन बोलता है, जो तुम लड़की को देखे थे ना, वो मेरे साथ ही बड़ी हुई थी। 20 साल पहले उसके साथ कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे थे और मैं गुस्से में उन्हें मार दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसका कनेक्शन इतना बड़ा होगा। हवर्ड बोलता है, तुम उसकी मदद करने के लिए जेल गए थे ना? जॉन बोलता है, हाँ, मुझे लगा कि वो मुझे भूल जाएगी मेरे जेल जाने के बाद, लेकिन वो मुझे खोज ली। मैंने हैंड को ऑफर को मना कर दिया, लेकिन वो किसी तरह मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया था उसे, और वो मुझे धमकी दिया था तुम्हें मारने के लिए। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हवर्ड बोलता है, वो हैंड का प्लान था। मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा? जॉन बोलता है, क्या तुम सही में हैंड से मुकाबला करोगे? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हवर्ड बोलता है, फूल खरीद के वो लड़की से मिलो, वो तुम्हारा इंतजार पिछले 20 सालों से कर रही है। अभी तुम कहीं सीम जाओ, जब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। जॉन बोलता है, तुम्हारा क्या? हवर्ड बोलता है, चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है। हैन इतना बेवकूफ नहीं है कि वो सभी के सामने मुझे मार दे, वो मुझे जेल में भी नहीं डाल सकता है। तभी उसे सैंडी का फोन आता है, वो उठा के बोलता है, हेलो। सैंडी चिल्लाकर बोलती है, हम लोग यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम रात से ही गायब हो। हवर्ड अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही अजीब है, ये लोग को नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में था। फिर उसे यंग का बात याद आता है, वो हवर्ड को बोल रही थी, तुम मेरे लिए बेकार हो, इसलिए मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। हवर्ड अपने मन में बोलते हैं, वो सही में बहुत ही अजीब है, लेकिन जो भी हो मैं भी यही चाहता था। हवर्ड बोलता है, मैं दूसरा काम में बिजी था, मैं तुम्हें जो करने दिया था वो हो गया क्या? सैंडी बोलती है, हाँ। सबरीना का मैरिज मीटिंग स्टार्ट होने वाला 3 बजे, लेकिन वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। फिर हमें रूम के अंदर दिखाया जाता है। लॉरेंस सबरीना को बोलता है, ठीक है सबरीना, तुम्हें कुछ कहना है तो बोल दो। सबरीना बोलती है, लॉरेंस नहीं, मुझे माफ़ करना, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, सर प्लीज मुझे एक और दिन दो। लॉरेंस बोलता है, सबरीना तुम एक दिन में क्या कर लोगी? जितना मुझे पता है तुम पिछले रात यंग से मिली हो, वो तुम्हारे ऑफर को मना कर दी और वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहती है। जब हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे मैं तुम्हारी कंपनी को बचा लूंगा। सबरीना बोलती है, मेरे सारे इंप्लॉय मेहनत से काम कर रहे हैं, मुझे और थोड़ा समय चाहिए। लॉरेंस बोलता है, अगर तुम्हें अपना मैरिज पोस्टपोन करना है तो तुम अपने पापा से बात कर लो। सबरीना अपने मन में बोलती है, नहीं, मेरा सारा मेहनत पानी में चली गया, कोई मुझे बचा लो। फिर वो हवर्ड को सोचने लगती है। हैन अपने मन में बोलता है, सबरीना अब हार मान लो, यही तुम्हारा किस्मत है। जब ये मामला खत्म होगा मुझे लॉरेंस से बहुत ही ज्यादा गिफ्ट मिलेगा। तभी हवर्ड वहाँ पर गेट खोल देता है और वो दरवाजा हैन के मुंह में लगता है। हैन हवर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, हवर्ड तुम्हें तो वहाँ हो नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गए? हवर्ड बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं मर गया हूँ क्या? तुम सिक्योरिटी गार्ड को बुला रहे हो, लेकिन वो लोग तो सो रहे हैं। तभी सबरीना शॉक्ड होकर बोलती है, हवर्ड तुम्हें क्या हो गया? हवर्ड बोलता है, शुक्रिया आपको पूछने के लिए, मुझे पता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, पिछले रात मुझ पर हमला हुआ था और मैं मरने ही वाला था। कंपनी लोग ऐसा करे कि किसी को पता नहीं है, वो लोग मुझ पर हमला किए और तुम लोग यहाँ पर शादी का बात कर रहे हो। सबरीना बोलती है, तुम्हारे पर हमला हुआ था लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हवर्ड बोलता है, बस इतना ही शॉक्ड हो रही हो तुम, हम लोग तुम्हारे लिए जानवरों की तरह काम कर रहे हैं। लॉरेंस और सबरीना का इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, तुम यहाँ पर नाटक मत करो। हवर्ड बोलता है, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं मरने वाला था, मुझे याद है जो मुझ पर हमला किया था उसका भी आवाज तुम्हारी तरह है, मैं पुलिस में तुम्हारे नाम का कंप्लेंट करूंगा। हैन घबराते हुए बोलता है, हे तुम बोल क्या रहे हो? तभी लॉरेंस बोलता है, अब बस करो। आवाज चला के बोलता है, हे तुम हो कौन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, निकल जाओ यहाँ से। हैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लॉरेंस बोलता है, हे सबरीना क्या तुम इसका प्लान की थी क्या? सबरीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। हवर्ड चिल्लाकर बोलता है, ये कोई प्लान नहीं है, तुम लोग बातें मत घुमाओ। लॉरेंस बोलता है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो अपना नंबर बताओ, लेकिन तुम यहाँ पर नाटक करोगे तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन इससे ये पता चल गया कि सबरीना अपने काम में बहुत ही खराब है, उसका एम्प्लॉय उसका ही बात नहीं मान रहा है। हवर्ड अपने मन में बोलता है, यह इंसान बहुत ही चालू है, मैं ये सब करके सबरीना को और मुसीबत में डाल रहा हूँ। तभी वहाँ पर यंग आ जाती है और बोलती है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्या मैं सबरीना से बात कर सकती हूँ क्या? हवर्ड अपने मन में बोलता है, यंग
यहाँ क्या कर रही है? सबरीना उसके पास जाके बोलती है, हाँ बताओ। यंग बोलती है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी, मुझे लग रहा है कि वो आगे चल के बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, मुझे इसके बारे में और बात करना है, लेकिन उससे पहले तुम अपना बात खत्म कर लो। सबरीना बोलती है, मुझे थोड़ा समय दो। फिर वो लॉरेंस के पास जाके बोलती है, आपने तो सब सुन ही लिया होगा ना, अब ये शादी कन्फर्म नहीं होने वाला है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा इतना कीमती समय ली। लॉरेंस कुछ बोलता नहीं है, फिर वो अपना फ़ोन को काट लेता है। सबरीना जाते हुए हॉवर्ड को बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी हॉवर्ड पीछे मुड़ के देखता है, यंग उसे देख रही होती है। तभी वो हॉवर्ड को आँख मार के चली जाती है वहाँ से। हॉवर्ड शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, अब इसका क्या मतलब है? हैंड चलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें देख लूँगा हॉवर्ड। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हॉवर्ड बोलता है, जो भी हो मेरा काम तो हो गया, मुझे सही में बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तभी लॉरेंस बोलता है, तुम्हारा नाम हॉवर्ड है ना? हॉवर्ड पीछे मुड़ के देखता है, लॉरेंस वहाँ पर होता है। लॉरेंस बोलता है, तुम्हें तो सपना में मजा आ रहा है ना, चलो देखता हूँ कि तुम और कितना सपना देखते हो। फिर वो वीडियो कॉल काट देता है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, क्या इसे मेरा सपना के बारे में पता है क्या? फिर उसे गेम डेवलपर का बात याद आता है, वो बोली थी कि संभल के रहना, तुम वैसे भी जाल में फंस गए हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन दोनों के साथ बैठा होता है। सबरीना बोलती है, मिसेस यंग, मैं सोच रही कि आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहती हो, पहले आपने हमें मना कर दिया था। यंग बोलती है, मैं आपकी एम्प्लॉय की वजह से यहाँ पर आई हूँ, ये मुझे आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ बता दिया है, मुझे ये सही में बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। लगता है कि इसको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, मैं इससे चाहे जो भी सवाल पूछती हूँ ये इसका बहुत ही अच्छा जवाब देता है। तुम्हारे पास इतना भरोसेमंद एम्प्लॉय है तो मैं एक और कोशिश करना चाहती हूँ। हॉवर्ड ये सुनकर शर्मा जाता है और अपने मन में बोलता है, ये मेरा तारीफ कर रही है। यंग का जो खास होता है वो उसका तारीफ करती है, लेकिन वो मेरा तारीफ क्यों कर रही है? क्या वो मुझसे प्यार करती है? मैं सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सब सपना है। फिर यंग वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर सिर्फ सबरीना और हॉवर्ड होते हैं। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही अजीब है, ये पहली बार है मैं और सबरीना अकेले हैं। तभी सबरीना बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया हॉवर्ड, मुझे नहीं लगा था कि तुम यंग से बात करोगे। हॉवर्ड बोलता है, मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। सबरीना बोलती है, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा किए हो, तुमने मुझे और मेरा शादी को बचा लिया है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, मैं अभी तक तुम्हें सही से नहीं बचा पाया हूँ। हॉवर्ड बोलता है, मिसेस सबरीना ये मत बोलिए, मुझे नहीं लगता मैं किसी को फिर से बचा सकता हूँ, आप मेरा बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही हो, अगर आपको शुक्रिया अदा करना ही है तो मिस्टर लियू को बोलिएगा, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल से एम्प्लॉय हूँ। तभी सबरीना बोलती है, हॉवर्ड तुम्हें पता है क्या? हॉवर्ड बोलता है, क्या मुझे पता है? सबरीना बोलती है, तुम लियू से कम नहीं हो, ठीक है मैं चलती हूँ। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, सही में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर यंग बैठी होती है। वो अपने मन में बोलता है, यंग ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये अभी तक नहीं गई है यहाँ से, मुझे इसके लिए बहुत ही अलग फील होता है, ये सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसका चेहरा भी बहुत ही बढ़िया है, ये गर्लफ्रेंड बनने के लिए एकदम परफेक्ट है, इसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्या ये सही में मुझसे प्यार करने लगी थी क्या? जो भी हो इसकी वजह से मैं बच पाया, ये सही में बुरी लड़की नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यंग बोलती है, हॉवर्ड हो गया तुम्हारा काम? हॉवर्ड बोलता है, ओ मिसेस यंग, मुझे लगा कि आप चली गई होगी। यंग बोलती है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाई। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, क्या यंग से कौन नहीं प्यार कर रहा है? यंग बोलती है, ये पहली बार है कोई अपने बॉस के लिए इतना मेहनत कर रहा है, क्या तुम बता सकते हो तुम इतना क्यों कर रहे हो? हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, ये मेरे से सच्चाई जानना चाहती है। फिर हॉवर्ड बोलता है, मैं अपने काम के लिए कर रहा हूँ, अगर मिसेस सबरीना चली गई तो मेरा काम भी चल जाएगा, यही बात है और कुछ नहीं। यंग बोलती है, फिर कैसा रहेगा कि तुम मेरे कंपनी में काम कर लो, वो कंपनी इससे भी बड़ा है, एक बार सोच लो इस बारे में। हॉवर्ड बोलता है, आपका शुक्रिया, मुझे यहाँ पर काम करना अच्छा लगता है। यंग बोलती है, यहाँ पर तुम्हें जितना मिलता है मैं उससे तुम्हें डबल दूंगी और तुम मेरे कंपनी के डायरेक्टर भी बन जाओगे। हॉवर्ड बोलते हैं, इतना सा ऑफर देने के लिए आपका शुक्रिया, अगर अभी मैं काम छोड़ दूंगा तो लोग मुझे धोखेबाज बोलेंगे। यंग बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर तुम अपना मन बदलोगे तो मुझे फोन कर लेना, ये लो मुझे वीचैट में ऐड करो। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, ये नंबर दे रही है, लगता है कि मैं इसके जाल में फंस गया हूँ। फिर वो यंग को नंबर देकर चला जाता है वहाँ से। यंग अपने मन में बोलती है, अभी या बाद में मैं तुम्हें किसी तरह अपने पास ले आऊंगी, मैं तुम्हारा उठने का 100 दिनों तक इंतजार की, मैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अकेले हो गई थी और मैं तुम्हारे साथ ही सोती थी और खाती थी,
मुझे नफरत हो गया था अकेले रहने से। आखिरकार तुम जाग गए, अब तुम मुझे देख रहे हो और मुझसे बात भी कर रहे हो, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी हमें दिखाया जाता है, सभी लोग स्ट्रीट फूड के सामने खड़े होते हैं। एक आदमी पढ़ते हुए बोलता है 2003 डूडल्स, ये सही में बहुत ही अजीब नाम है। दूसरा आदमी बोलता है जो भी हो लेकिन यहाँ का डूडल्स सही में बहुत ही बढ़िया है। जॉन सभी के लिए खाना बना रहा होता है और हवार्ड सभी को खाना दे रहा होता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है अब मैं दो काम करता हूँ, सुबह को कंपनी में और रात के समय ये स्टॉल में। अब इससे मेरा फैमिली का कर्जा खत्म हो जाएगा। और रहा बात जॉन का, वो अपने दोस्त का बीमारी के लिए पैसे जमा रहा है। मुझे नहीं लगा था कि ये बिजनेस सही से चलेगा, इससे मैं अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी को कम कर दूंगा। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है ये नूडल में तो कीड़ा है, ये शॉप का ओनर कौन है? हवार्ड बोलता है मैं हूँ। वो आदमी बोलता है ये किस तरह का फूड स्टॉल है, तुम मुझे कीड़ा खिलाना चाहते हो क्या? हवार्ड बोलता है मुझे माफ करना, शायद कोई कीड़ा उड़ते हुए गिर गया होगा, मैं आपको नया नूडल देता हूँ। वो आदमी बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना ही खत्म होगा क्या? अगर मैं इसे बीमार हो जाता फिर क्या होता? तभी एक और आदमी आ जाता और बोलता है मैं पिछले बार यहाँ से नूडल खाया था, मुझे डायरिया हो गया, पता नहीं ये लोग नूडल में क्या डालते हैं। हवार्ड अपने मन में बोलता है क्या ये लोग मेरे से लड़ाई करना चाहते हैं क्या यहाँ पर? तभी एक लड़की बोलती है सही में क्या नूडल में कोई गड़बड़ी है क्या? तभी वो आदमी बोलता है देखो यहाँ पर कितने सारे कस्टमर हैं, मुझे लगता है कि ये लोग कुछ मिलाए इसमें। दूसरा आदमी बोलता है इसे खाने से लोग इसके एडिक्ट हो जाएंगे ना, वही ये लोग खाने में मिलाया होगा। जॉन चिल्ला के बोलता है चुप हो जाओ मैं अपना खाना सही से बनाता हूँ। तभी कुछ लोग बोलते हैं हमें नहीं खाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, चलो घर जाके अपने लिए खाना बना लेते हैं। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हवार्ड अपने मन में बोलते हैं क्या मेरा बिजनेस यही बंद हो जाएगा? तभी एक लड़की बोलती है तुमने ये कीड़ा खुद ही डाला है नूडल्स में, ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो लड़की को बोलता है हे बच्चे तुम कौन हो, तुम बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? वो लड़की बोलती है मैं अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली हूँ, तुम चाहते कि मैं वीडियो को प्ले करूँ, इसके अलावा तुम्हारा नूडल्स का शॉप है ना यहाँ पर। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कुछ आदमी बोलते हैं ये शॉप बहुत ही अच्छा चल रहा है इसलिए ये लोग इसे बंद करवाना चाहते हैं। फिर वो दोनों भागते हुए बोलते हैं सही में आज का दिन बहुत ही खराब है हमारा। तभी जॉन उसका पीछा करते हुए बोलते हैं हे तुम लोग मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। फिर जॉन उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ हवार्ड वो लड़की को बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। हवार्ड बोलता है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम यहाँ पर नूडल्स कितना भी खा सकती हो, तुम्हारे लिए फ्री होगा। वो लड़की बोलती है जो मुझे अच्छा लगा वो मैं कर दी हूँ। फिर कुछ देर के बाद शॉप बंद करने का समय आता है। जॉन हवार्ड को बोलता है हे हवार्ड वो लड़की को देखो वो अभी तक गई नहीं यहाँ से, वो कब से तुम्हें ही देखे जा रही है सिर्फ। फिर वो चिल्ला के बोलते हैं हे हवार्ड सुनो मेरी बात, ये लड़के का अभी 18 साल भी नहीं हुआ है, इसके पीछे मत पड़ो, तुम्हें तो याद ही होगा ना एक सुपरस्टार यही किया था लेकिन उसे जेल जाना पड़ गया। हवार्ड बोलता है हे जॉन तुम मुझे समझ क्या रहे हो, मुझे कम उम्र का लड़कियों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो लड़की खड़ी हो जाती है, फिर हवार्ड के सामने खड़ी हो जाती है। फिर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन भी बोलते हैं अब ये करने क्या वाली है। तभी वो लड़की अपना हुडी हटाती है, हवार्ड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो लड़की उसे गले लगा के बोलती है हवार्ड अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जॉन उसका गला दबा के बोलता है सही में तुम बहुत ही बड़े ठड़की हो। हवार्ड बोलता है मैं कोई ठड़की नहीं हूँ, अब मुझे जाने दो।